नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। भाजपा की योजना अपने ही लोगों को मरवाकर राज्य में दंगा कराने की है, ममता बनर्जी बोली, लोग इनसे सतर्क रहें। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों के पुलिस बल नंदीग्राम विधानसभा सीट के मतदाताओं को भयभीत कर रहे हैं। इस सीट पर ममता बनर्जी के खिलाफ उनके पूर्व साथी शुभेंदु अधिकारी भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। भंगाबेरा से रोड शो शुरू करने से पहले ममता बनर्जी ने सोनाचूरा में जनसभा में कहा कि गांव में मतदाताओं को भयभीत करने और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। बहरहाल उन्होंने कहा कि वह नंदीग्राम सीट से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, साथ ही उनकी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी। शुभेंदु अधिकारी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे यानी बाहर से लाए गए पुलिस कर्मी यहां कुछ दिन रहेंगे, कोई गलती न करें, हम वापस आएंगे और दगाबाजों को करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बाहरी पुलिस कर्मियों के कथित अनुचित कृत्यों से अवगत कराया जा रहा है। दिलीप घोष का दावा, जरूरी नहीं है कि नव निर्वाचित विधायकों में से ही किसी को मिले मुख्यमंत्री का पद। जी हां, भाजपा के पक्ष में मजबूत लहर होने का दावा करते हुए पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने विश्वास जताया कि राज्य में अगली सरकार भगवा पार्टी की बनेगी और कहा कि इस स्थिति में जरूरी नहीं है कि कोई नव निर्वाचित विधायक ही मुख्यमंत्री बने। मेदिनीपुर से भाजपा सांसद दिलीप घोष ने दावा किया कि पार्टी के पक्ष में पैदा हुई मजबूत लहर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान तक रहेगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद सिर्फ भाजपा ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और उसके नेता हताश हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा भाजपा के पक्ष में बना माहौल और मजबूत होता जाएगा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हार का एहसास होता चला जाएगा। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो सहित लोकसभा के 3 सदस्यों और एक राज्यसभा सदस्य स्वप्न दास गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन घोष इसमें शामिल नहीं है। पार्टी को जीतने की स्थिति में घोष मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। पीएम मोदी ने बांग्लादेश यात्रा के दौरान आचार संहिता का किया उल्लंघन, टीएमसी चुनाव आयोग से की है शिकायत। जी हां, आपको बता देंगे तृणमूल कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। पार्टी का कहना है कि पीएम मोदी ने हाल ही में अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों और आचार संहिता का उल्लंघन किया है। टीएमसी का कहना है कि पीएम मोदी की बांग्लादेश यात्रा चुनावी आचार संहिता का सीधे तौर पर उल्लंघन है। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चुनाव के समय बांग्लादेश की यात्रा करने पर लताड़ा है। नेता का कहना है कि पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लक्ष्य करके ही बांग्लादेश की यात्रा की है। आपको बता दें कि जिस समय पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान चल रहा था, ठीक उसी समय पीएम मोदी बांग्लादेश में मटुआ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। ममता बनर्जी ने शनिवार को एक सार्वजनिक सभा में कहा कि मोदी पश्चिम बंगाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए बांग्लादेश के मटुआ मंदिर में भाषण दे रहे हैं। आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस आरसी हो गए हैं एक्सपायर तो ना हो परेशान, अब ऐसे वाहन दस्तावेज 30 जून तक रहेंगे वैलिड। जी हां, कोरोना महामारी के बीच सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों से जुड़े हुए सभी दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी है। इसके मुताबिक सभी फिटनेस, सभी तरह के परमिट, लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन 30 जून 2021 तक वैध माने जाएंगे। मंत्रालय का कहना है कि इन दस्तावेजों के नवीनीकरण के लिए कार्यालयों में भीड़ जुटने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि कोविड-19 के फैलने की रफ्तार को काबू में लाया जा सके। फैसले के तहत मोटर वाहन नियम 1998 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में बताए गए दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी गई है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने पहली बार 30 मार्च 2020 को वाहनों से जुड़े दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का फैसला लिया था। तब से अब तक 5वीं बार इन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ाई गई है। हालांकि इस बार केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इसके बाद लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। राहुल गांधी के कार्यक्रम सिर्फ वुमन कॉलेज में हो रहे, नेता का तंज, शादीशुदा नहीं है वो। जी हां, 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जारी है। इस दौरान नेताओं की तरफ से कई बार आपत्तिजनक बयान सामने आ जाते हैं।
केरल के पूर्व सांसद जॉयस जॉर्ज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक अपमानजनक टिप्पणी की है। उंडुबा चोला में सोमवार को एमएम मणि के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने महिलाओं को राहुल गांधी से सावधान रहने की अपील की है। पूर्व सांसद जॉयस जॉर्ज ने कहा कि राहुल का चुनावी कैंपेन यह है कि वह लड़कियों के कॉलेज में जाएंगे, वहां जाकर वह लड़कियों को झुकना सिखाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, उनके आगे मत झुको, सिर्फ सीधे खड़े रहो, वह शादीशुदा नहीं है। जॉर्ज ने कहा कि महिलाओं को राहुल गांधी से सावधान रहना चाहिए, वो लड़कियों को सिर्फ मांसपेशियों से मोड़ना सिखाएंगे। कांग्रेस नेता अविवाहित संकट है। आपको बता दें कि जॉर्ज केरल से इडुक्की में निर्दलीय सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें कि जॉर्ज के बयान पर केरल सरकार के मंत्री और चुनाव में उम्मीदवार एमएम मणि को भी ठहाके लगाते हुए देखा गया। राहुल गांधी को लेकर पूर्व सांसद द्वारा किए गए बयान पर कांग्रेस की केरल इकाई ने विरोध जताया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ना करें विश्वास, कोविड-19 टीके पूरी तरह से हैं सुरक्षित। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ दोनों भारतीय टीके पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी हैं। उन्होंने आगे कहा कि भले ही किसी को टीकाकरण के बाद संक्रमण हो जाए, यह उनके अस्पताल में भर्ती होने की संभावना को कम करता है। एक प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया कि वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद मंत्रालय के किसी भी अधिकारी ने कोई दुष्प्रभाव महसूस नहीं किया है। उन्होंने कहा कि दोनों भारतीय टीके कोविडशील्ड और कोवैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और प्रतिरक्षात्मक हैं। जिन लोगों को अभी भी वैक्सीन के बारे में संदेह है, उन लोगों के लिए हर्षवर्धन ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में प्रसारित होने वाली सूचना पर विश्वास नहीं करने का आगाह किया है। कोविड-19 टीकाकरण के बाद होने वाले संक्रमणों के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा कि केवल कुछ ही दुर्लभ मामले हैं जिनमें टीके को लेने के बाद संक्रमण हुआ है। यहां तक कि अगर कोई टीका लेने के बाद पॉजिटिव आता है तो यह उनके अस्पताल में भर्ती होने या फिर ICU वार्डों में जाने की संभावना को कम करता है। पंजाब में 10 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू बढ़ा, स्कूल भी रहेंगे बंद, जेलों में होगा टीकाकरण। जी हाँ, आपको बता दें कि पंजाब में यूनाइटेड किंगडम स्ट्रेन मिलने के बाद कोरोना संक्रमण और जान जाने वाले लोगों में निरंतर इजाफा हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कोविड के कारण लगाए गए प्रतिबंधों को 10 अप्रैल तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने को कहा गया है। मुख्य सचिव और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ कोविड की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो प्रतिबंध 31 मार्च तक लगाए गए थे, उन सभी को 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया जाए और इसके बाद वह फिर इसकी समीक्षा करेंगे। नाभा ओपन जेल में 40 महिलाओं के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के कारण मुख्यमंत्री ने कैदियों के लिए जेलों में विशेष टीकाकरण मुहिम शुरू करने का आदेश भी दिया है। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों पर सरकार ने जताई चिंता, कहा भले ही कुछ जिलों में स्थिति गंभीर है लेकिन पूरा देश जोखिम में है। जी हां, देश में कुछ राज्यों में कोरोना का कहर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। देश में एक बार फिर कोरोना के हर दिन 50 से 60 हज़ार के बीच नए केस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल है, जहां पर रोजाना सामने आने वाले मामले 40 हज़ार से भी पार कर चुके हैं। इस बीच कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर सरकार ने भी चिंता जताई है और कहा है कि पूरा देश जोखिम में है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि भले ही कुछ ही जिलों में अभी गंभीर स्थिति है लेकिन पूरा देश अभी जोखिम में है। बीमारी को रोकने और जिंदगियां बचाने के लिए सभी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। 1 अप्रैल से हवाई सफर करना पड़ेगा महंगा, DGCA ने बढ़ा दी है सिक्योरिटी फीस। जी हाँ, 1 अप्रैल से वैसे तो कई चीज़ें बदलने वाली हैं, लेकिन आपको बता दें कि 1 अप्रैल से हवाई सफ़र करना भी महंगा होने वाला है। दरअसल नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने हवाई टिकट में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस यानी ASF को बढ़ा दिया है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस के लिए घरेलू यात्रियों से 200 रुपये लिए जाएंगे तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को $12 देने होंगे। ये नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। 1 अप्रैल से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस में बढ़ोतरी के चलते आपके हवाई टिकट महंगा हो सकता है। यह फीस वैसे तो हर यात्री से ली जाती है लेकिन कुछ यात्रियों को इसमें छूट दी गई है, जैसे कि इसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स और ऑन ड्यूटी एयरलाइंस क्रू मेंबर्स शामिल हैं।
आपको बता दें कि सितंबर 2020 में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस 150 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपए यानी कि 10 रुपए बढ़ाई गई थी, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए यह 4.95 डॉलर से बढ़ाकर 5.20 डॉलर की गई थी। आज का मैटकुच क्वेश्चन आ चुका है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।